जियोग्राफी ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, इसमें हम पढ़ेंगे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की जियोग्राफी। सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द ऊना। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक टू द हिमाचल जीके सीरीज। सो टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जियोग्राफी ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, इसमें हम पढ़ेंगे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की जियोग्राफी। सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द ऊना। सो आप उसको जाके भी देख सकते हैं कि ऊना की हिस्ट्री कैसे थी, कौन कौन से राजा आए और कौन कौन से नहीं। सो आज हम जियोग्राफी करेंगे, कौन कौन सी रिवर्स जो प्रेजेंट हैं बिलासपुर में, कौन कौन सी वैलीज प्रेजेंट है बिलासपुर में। उससे पहले हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, एज वेल एज द एचपीएस एग्जामिनेशन और बीसी एलाइड एज वेल एज द क्लरिकल एग्जामिनेशन, जो बीसी ग्रेड के एग्जामिनेशन है उसमें हम देखेंगे कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। सो लेट्स हैव अ लुक विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द एचएएस दैट इज इन द 2022। सिलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द वैलीज। बहादुरपुर एंड बांदला रेंजेस कहाँ पे होंगी? दैट इज दी धामी वैली, इट्स अ धामी वैली। मारकंडा एंड धराटी रेंजेस, दून एंड सप्रू वैलीज, चंद्रताल लेक, कुंजुम रेंज, सोर्स ऑफ पार्वती रिवर, मानतलाई लेक। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इफ यू नो दी वैलीज। अगर आप वैलीज के बारे में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वैलीज है, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन का क्या क्या आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन वी हैव, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द 2021। सो राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा डाइड इन 1825 AD। राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन्वेडेड द बिलासपुर स्टेट इन 1796। इन 1844 सिख जनरल जोरावर सिंह एनेक्स्ड द टेरिटरी ऑफ लाहौल स्पीति टू द सिख स्टेट। ऑन 24 अगस्त 1809 महाराजा रणजीत सिंह टुक ओवर द पोजीशन ऑफ द कांगड़ा स्टेट। सो देयर इज अ स्टेटमेंट आस्क्ड in this portion, so that's why I mentioned this question in the geography as well as ki geography ke bare mein baat ho rahi hai Bilaspur state ki, although is history mein aayega, so ab maine aapko bas batane ke liye ki questions aisa bhi aa sakta hai aur aaya bhi hai 2021 mein. This is the same question jo pucha gaya tha 2021 HPS mein. State the true statement from the following. Chamba, Kullu, Kinnaur are considered the most susceptible landslide to the threats. Una, Bilaspur, Sirmaur, Shimla and Solan are considered as low vulnerable disaster threats. Ki jo ye district hain ye low vulnerable hain to the disaster se. Hum valley of Una has hardly any natural drinking water source. As per the study of the Central Water Board, Kala Am Valley in Sirmaur district has exploited the least underground water. So you can see the pattern in 2021 में, in 2021 में जो आपका पैटर्न था वो सिमिलर था, सिंक्रोनाइज कर रहा था यूपीएससी के पैटर्न के जैसे। इससे पहले जो एक दो साल में क्वेश्चन आए हैं वो वन वर्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, बट अब जो है एचएएस जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए वो सेम यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रही है। तो हमें कोई भी लाइन जो है ब्लोकड़ा की निगलेक्ट नहीं करनी है, अदरवाइज आप कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं हिस्ट्री के लिए, हिमाचल का, जीके के लिए, सो यू हैव टू स्टडी ऑल द लाइन्स केयरफुली बट इट इज रिटन इन द बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटधार, नैना देवी धार, तीन धार आर सिचुएटेड इन द विच डिस्ट्रिक्ट। सो ये क्वेश्चन भी क्या है, जियोग्राफी ऑफ बिलासपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिछेत्रू, फतेहपुर, नरौनगढ़ फोर्ट्स आर सिचुएटेड इन द विच डिस्ट्रिक्ट। सो ये भी क्वेश्चन रिलेटेड टू है बिलासपुर।
जमताल एंड रिवाल्सर टैंक्स। अगर किसी को रिवाल्सर टैंक के बारे में पता, रिवाल्सर के बारे में पता है, तो वो क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पाएगा। एंड दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी बिलासपुर। द एरिया ऑफ बिलासपुर इज 1167 स्क्वेयर किलोमीटर एंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ द हिमाचल प्रदेश। सो यू हैव टू नो दी वैल्यू कि कितना परसेंट ऑफ बिलासपुर कवर्स द एरिया ऑफ इंटायर हिमाचल। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिलासपुर हैज हमीरपुर इन नॉर्थ। कि जो नॉर्थ है बिलासपुर का उसमें क्या है, हमीरपुर है, एंड ईस्ट में क्या होगा। तो ये भी हम आगे पढ़ने जाएंगे कि क्या होगा इसके ईस्ट में, वेस्ट में कौन सा रहेगा उसका डिस्ट्रिक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो जो आपका जियोग्राफिकल एरिया है बिलासपुर का, दैट इज दी 1167 स्क्वायर किलोमीटर एंड इट कवर्स 2.1% ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेट। कि जो आपका बिलासपुर है वो कितना परसेंट एरिया कवर करता है, दैट इज द 2.01। नाउ दिस डिस्ट्रिक्ट लाइज बिटवीन द नॉर्दर्न लैटिट्यूड। अब नाउ दिस इज द ग्लोब, दिस इज द जीरो, दिस इज द नॉर्दर्न, दिस इज द साउथ पार्ट। सो लॉर्ड इंडिया का मैप बना के जैसे 31 degree 12 30, ये क्या है, लेटिट्यूड है। एंड लॉन्गिट्यूड क्या है इसका, ये 31 to 12 31 to 35। और जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है एंड द ईस्ट लॉन्गिट्यूड, दैट इज द 76 23 to 76 55। यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ दिस ऑल्सो। अब मेन क्या है इसमें कि जो कौन कौन सी रिवर प्रेजेंट है इन दी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। सो ये जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है, सो ये जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज पार्टीशन बाय अ रिवर, दैट इज द सतलुज रिवर। सो इट इज प्रीडोमिनेटली सिचुएटेड इन दी लोअर वैली, सतलुज वैली इन दी आउटर हिल्स। कि जो ये डिस्ट्रिक्ट है जो सतलुज वैली की लोअर हिल्स पे सिचुएटेड है, और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हैज एक्सक्लूसिवली शिवालिक और दी आउटर हिल। और जो आपका बिलासपुर है, बिलासपुर कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटर हिमालयस में, शिवालिक में प्रेजेंट है। नाउ इट इज बाउंडेड बाय दी, अब हम ये देख लेते हैं कौन कौन से, मान लो ये क्या है बिलासपुर, नॉर्थ में कौन सी होंगी, मंडी एज वेल एज दी हमीरपुर, एंड वेस्ट में कौन सी होंगी, हमीरपुर एंड दी ऊना, साउथ में कौन सी है, नालागढ़ दैट इज इन दी सोलन, और यहां पे वेस्ट में, ईस्ट में कौन सी है, दैट इज दी मंडी, मंडी स्टेट। अब इन बिलासपुर जो एल्टीट्यूड है वो वेरी करता है फ्रॉम 1944 मीटर्स, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है और पीक का क्या नाम है, जो हाईएस्ट पीक है ऑफ बिलासपुर, दैट इज दी धार बहादुरपुर इज अ हाईएस्ट पीक ऑफ दी बिलासपुर, एंड लोएस्ट पीक इज अ 3.305 मीटर इज दी लोएस्ट पीक। नाउ इट लाइज ऑन दी बोथ दी बैंक्स ऑफ द रिवर सतलुज विच फॉर्म्स दी बाउंड्री बिटवीन दी मंडी एंड बिलासपुर। अब हिल रेंजेस इन द डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, कौन कौन सी हिल रेंजेस है, सो इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट वी हैव दी 7 हिल रेंजेस, और 7 हिल रेंजेस दैट वॉज प्रीवियसली और इन द प्रिंसली टाइम पे क्या किए थे, प्रीडोमिनेटली यूज की जाती थी, होती थी, इसलिए हमें इसका नाम क्या पड़ा, सत धार कहलूर। मीन्स नाम क्या है, 7 रेंजेस आर प्रेजेंट इन द डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, और जो बिलासपुर का ओल्ड नेम क्या था, दैट इज द कहलूर था। नाउ वी विल ऑल्सो ऑब्जर्व द कौन कौन सी वैलीज थी इन नेक्स्ट स्लाइड, कौन कौन सी जो है हिल रेंजेस हैं प्रेजेंट हैं। सो हमें इसको कैसे याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे रेंजेस हैं और बहुत सारा वास्ट जीके है हिमाचल का,
सो पहले हम ऑर्डर वाइज याद रखेंगे लेटर से. सो पहले बी लेटर से देखते हैं. फर्स्ट वी हैव वांदला हिल. जो आपकी वांदला हिल है वो पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत फेमस है और उसके ऊपर क्या है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी क्या है इसमें ओपन हुआ है इन वांदला हिल में. नेक्स्ट आती है हमारे पास बहादुरपुर हिल. बहादुरपुर हिल हमने देखी कि जो हाईएस्ट पीक है दैट इज दी बहादुरपुर. और इस रिवर में क्या है ये रिवर जो है इस हिल में क्या है यहाँ पे क्या है एक अली खड है. जो अली खड डिवाइड्स दिस बहादुरपुर हिल इनटू टू पार्ट्स. और जो बहादुरपुर फोर्ट था जो हिल पे क्या प्रेजेंट है बहादुरपुर फोर्ट क्या है प्रेजेंट है. एंड जो क्या थी समर कैपिटल थी राजा विजाई चंद की. किसकी कैपिटल थी राजा विजाई चंद की. अब हमने बीबी देख लिया. अब हमारे पास आता है झंझियार हिल. सो झंझियार हिल जो है ये डिवाइड करती है सीर खड को. किस खड को डिवाइड करती है सीर खड ऑफ बिलासपुर इनटू टू पार्ट्स. साउदर्न को पार्ट को हम क्या बोलेंगे बडोल कहेंगे एंड नॉर्दर्न को हम क्या कहेंगे झंझियार कहेंगे. साउदर्न को हम क्या कहेंगे बडोल कहेंगे और नॉर्दर्न को क्या कहेंगे झंझियार कहेंगे. नाउ देवी भड़ोली एंड गुग्गा गेरविन आर दी फेमस टेम्पल्स. हिमाचल में क्या है लॉट ऑफ टेम्पल्स आर देयर. सो यहाँ इस धार में कौन से हमारे पास दो टेम्पल हैं गुग्गा टेम्पल और दी गेरविन टेम्पल आर दी प्रेजेंट इन अ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर इन झंझियार हिल. अब आएगा हमारे पास कोट हिल. सो कोट हिल में क्या प्रेजेंट है बिछेत्रु बिसिंह नॉन एंड द गोगा. बिछेत्रु बिसिंह नॉन द गोगा मलहोट किसमें लोकेटेड है इन दिस हिल में. और द हाइएस्ट पीक ऑफ दिस हिल इज अ ककरेर. अब इस हिल का भी हाइएस्ट पीक कौन सी है ककरेर. जैसे बिलासपुर भी थोड़ा बहुत क्या है लिटिल बिट हिली डिस्ट्रिक्ट है एज इफ वी टॉक अबाउट ऊना हमीरपुर. सो इनमें क्या है हिल्स तो प्रेजेंट है बट नॉट एज मच बिकॉज दे आर बॉर्डर्ड मेनली बाय द प्लेन एरियाज. हमने पढ़ लिया बांदा हिल बहादुरपुर हिल झंझियार हिल कोट हिल. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज दी नैना देवी हिल. जो नैना देवी हिल मीन्स नैना देवी हिल नाम कैसे पड़ा ड्यू टू दी टेम्पल दैट इज दी नैना देवी इज प्रेजेंट एज श्राइन दैट इज दी शक्तिपीठ इज प्रेजेंट इन दिस डिस्ट्रिक्ट. तो नैना देवी कोट कहलूर फोर्ट जो कोट कहलूर फोर्ट था वो भी किसमें प्रेजेंट है नैना देवी में. एंड फतेहपुर फोर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी नैना देवी हिल. तो हम साथ साथ में फोर्ट भी पढ़ते जा रहे हैं कौन कौन से फोर्ट किस हिल में प्रेजेंट हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा आता है नेक्स्ट आएगा रतनपुर हिल. रतनपुर हिल में क्या होगा जनरल ऑक्टरलोनी जो क्या थे ब्रिटिशर्स थे. जो जनरल ऑक्टरलोनी ने किसको डिफीट किया था अमर सिंह थापा को डिफीट किया था. किसको डिफीट किया था अमर सिंह थापा को क्या किया था डिफीट किया था. एंड अमर सिंह थापा वाज द लीडर ऑफ गोरखा. लीडर ऑफ गोरखा. अब लास्ट हिल हमारी रहती है दैट इज दी ट्यून हिल. अब ये ट्यून हिल जो ट्यून हिल में हमारे पास में क्या होंगे फोर्ट प्रेजेंट है सिरियून नरौनगढ़ फोर्ट हडिम्बा देवी टेम्पल एज वेल एज दी सिद्ध गोंगनाथ किसमें लोकेटेड है इस ट्यून हिल में प्रेजेंट है. सो आप इसको एक निमोनिक से याद रख सकते हैं लाइक बी बी जे के बी बी जे के एन एन आर टी बी बी जे के एन आर टी. यू कैन रिमेंबर ऑल द हिल्स. फिर आपको याद रखा बांदला हिल्स बहादुरपुर हिल झंझियार हिल कोट हिल नैना देवी हिल रतनपुर हिल एंड दी ट्यून हिल. अब फेमस वैलीज कौन सी हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में. सो पहली जो फेमस वैली है वो कौन सी है दैट इज दी
सतलुज वैली। जो सतलुज वैली है इस डिस्ट्रिक्ट में वो कहाँ एंटर करेगी, कसौल में एंटर करेगी और कहाँ लीव करेगी, इन दी नैला डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी नैला क्या है, प्लेस है इन दी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। एंटर कहाँ करेगी, कसौल में एंटर करेगी और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या करेगी, ये लीव करेगी क्योंकि वैलीज है। तब ये तो ये नहीं है कि इस डिस्ट्रिक्ट में पूरी की पूरी वैली इसी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट होगी, थोड़ी वैली दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी प्रेजेंट हो सकती है। सो नेक्स्ट वैली दैट इज दी चौंतो वैली। जो चौंतो वैली है वो कहाँ प्रेजेंट है, भाखड़ा डैम के ऊपर प्रेजेंट है। हिमाचल में जो मेन डैम है दैट इज दी भाखड़ा डैम। तो भाखड़ा डैम किस वैली पे बना है, चौंतो वैली पे, और ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है। थर्ड हमारे पास है धानविन वैली। जो धानविन वैली है वो किसके बीच में प्रेजेंट है, बहादुर हिल एंड दी वांदला हिल। बहादुर हिल एंड बांदला हिल के बीच में कौन सी वैली प्रेजेंट है, हमारी धानविन वैली इज प्रेजेंट। और धानविन वैली इज ऑल्सो फेमस फॉर दी क्रॉप्स मेज राइस शुगर केन जिंजर वीट क्रॉप्स के लिए भी क्या है, फेमस है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जा सकता है कि धानविन वैली किस क्रॉप के लिए फेमस है, शुगर केन जिंजर वीट मेज एंड राइस के लिए फेमस है। अब रिवर डिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का। अब जो मेन रिवर है और बिलासपुर की दैट इज दी सतलुज रिवर है। अब सतलुज रिवर हमारी राक्षस ताल से होके किन्नौर में बहती है, देन इट एंटर्स इनटू द शिमला, देन एंटर्स इनटू द मंडी, देन आफ्टर ऑल इट एंटर्स इनटू द बिलासपुर एंड इट एंटर्स इनटू द बिलासपुर इनटू द कसौल प्लेस इन अ बिलासपुर। नाउ इसी रिवर पे ब्रिटिशर्स और महाराजा रणजीत सिंह ने साइन की थी एक ट्रीटी इन दी 1809 इन मार्च 23, दैट इज दी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कौन सी ट्रीटी साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1809 में। अब हमारे पास बहुत सारे फॉरनर ट्रेवलर्स थे जिन्होंने एक्सपेडिशन किया इन दीज डिस्ट्रिक्ट में, सच एज विलियम मूरक्राफ्ट। विलियम मूरक्राफ्ट इन दी 1820 ह्यूगल जर्मन थे, ह्यूगल कौन थे, जर्मन थे। एंड जी टी विग्ने ने भी क्या किया, इन्होंने एक्सपेडिशन किया, देन दे रोट इन देयर जर्नल्स इन दी, सो इन्होंने सतलुज रिवर के ऊपर दे मेंशन इन देयर जर्नल्स व्हाइल ट्रेवलिंग। अब और कौन कौन से रिवर हैं, दूसरी रिवर हमारे पास आती है अली स्ट्रीम। ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है, खड स्ट्रीम क्या है, नाला खड लाइक। सो ये कहाँ से अराइज होती है, इट राइजेज इन दी तहसील अर्की ऑफ सोलन से, क्या है ये इसका ओरिजिन है। एंड बिलासपुर में एंटर करेगी कहाँ पे, कोठी हरार में कहाँ करेगी ये एंटर करेगी। और सतलुज में ये कहाँ, सतलुज को कहाँ ज्वाइन करेगी, मान लो ये मेन रिवर सतलुज, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट से इसने एंटर किया, सोलन डिस्ट्रिक्ट से इसने एंटर किया। और बिलासपुर में कहाँ इट विल मर्ज इनटू दी दैट इज बैरी घाट। बैरी इज अ प्लेस इन दी बिलासपुर। नेक्स्ट है गांबर खड। गांबर खड कहाँ से राइज होती है, तारा देवी ऑफ दी शिमला। गांबर खड भी कहाँ से राइज होती है, तारा देवी ऑफ शिमला। और जो बिलासपुर में एंटर करेगी इट एंटर्स इनटू दी नैरी, कहाँ एंटर करेगी, नैरी गांबर। और ओरिजिन कहां से है, शिमला तारा देवी। नाउ नेक्स्ट खड का नाम है, ट्रिब्यूटरी है सीर खड। अब ये मंडी डिस्ट्रिक्ट से राइस होगी और बिलासपुर में कहां एंटर करेगी, इन दी विलेज ऑफ हतवार विलेज। नाउ इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट वी हैव लार्जेस्ट मैन मेड लेक इज ऑल्सो प्रेजेंट, गोविंद सागर लेक इज प्रेजेंट इन दी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर एज यू कैन सी हियर। नाउ कौन कौन से स्प्रिंग प्रेजेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, सो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में दो स्प्रिंग है, लूहंड एंड दी बस्सी स्प्रिंग्स आर दी प्रेजेंट इन दी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। अब कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, मेनली कहलूरी। और जो हिमाचल का एक जियोग्राफिकल एरिया देखूं तो हर
10 किलोमीटर के बाद क्या होती है, लैंग्वेज चेंज होता है. हर 10 किलोमीटर के बाद क्या होगा, यू विल फाइंड अ लिटिल बिट डिफरेंट एक्सेंट ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल. सो स्पोकन डायलेक्ट ऑफ द पीपल कहलूरी विच इज ऑफशूट ऑफ द पंजाबी, कि पंजाबी का थोड़ा ही नया वर्जन है जो क्या है, कहलूरी. और गैरिसन एक ब्रिटिशर्स थे जो इस लैंग्वेज को क्या कहते थे, कहलूरी को, रूढ़ पंजाबी, कि थोड़े इट इज नॉट एज मच सॉफ्ट स्पोकन एंड इट इज सिमिलर टू स्पोकन इन दी होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब. सो कहलूरी इज अ मेन लैंग्वेज एज वेल एज दी हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो अंडरस्टूड इन दी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर. बट इन द एंशियंट टाइम जो थे, पहले हम क्या बोल जाते थे वहाँ पे, कहलूरी एंड पंजाबी. सो दैट्स ऑल अबाउट दी जियोग्राफी ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर. इन नेक्स्ट सेशन, इन नेक्स्ट क्लास, वी विल डिस्कस अबाउट दी हिस्ट्री एज वेल एज वी कैन टेक अ डिफरेंट टॉपिक्स. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.